आर लास्ट फ्लाइट फ्रॉम वैंकूवर टू सास्केटून, फिर से डिले होगी भाई साहब। यहीं पे एयरपोर्ट पे जी रहे हैं ऐसा लग रहा है। हम अभी भी एयरपोर्ट पे ही हैं जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पहली बार हुआ है एयरपोर्ट से वीडियो स्टार्ट हो रही है। पूरी रात एयरपोर्ट पे बिता के, पूरी नहीं मतलब रात को 3 बजे आए थे। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हमें कोई मिला था सब्सक्राइबर, वो भी एयरपोर्ट पे है बेचारे कल दोपहर से, और उनकी पूरी 24 घंटे का स्टे था एयरपोर्ट पे। अब मिलेगी, आजकल बहुत बुरा हाल है। वील कंसिडर आर सेल्फ रियली लकी अगर हम टाइम पे आज घर पहुंच जाएं। अभी हम सब कुछ अभी ऑन टाइम दिख रहा है, हमारी फ्लाइट है 9:30 बजे की, टाइम अभी हुआ है 6:30 6:40। सो हमने कहा ब्रेकफास्ट वगैरह कराएं, लेकिन दूसरों का दुख सुनो, अपना दुख कम लगता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब इतना ज़्यादा दुख है यार दूसरों को। बेचारे यार फर्स्ट टाइम कैनेडा जो आ रहे हैं नेहा, 3 दिन हो गए बेचारों, एंड 3 दिन से वो बेचारे मतलब परेशान हो रहे हैं। मतलब मेरे को, हम लोग को लग रहा था यार ये क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन जब आप सुनो ना कि कितनी कितनी दुनिया परेशान है, तो देन यू फील कि यार हमारा तो सब ठीक है, 10-12 घंटे ही तो है हमारे यार। इट्स ओनली 12 आवर्स, फ्लाइट कैंसिल हो गई, बाकी सब ठीक है, हमारा सामान घूम गया बट सब ठीक है। उनका भी सामान मिसिंग है बेचारों का, सामान मिसिंग हो गया। हम लोग लाइक वी आर टेरिबली राइट नाउ, यू नो, इन अ सिचुएशन कि हम वेदर को ध्यान में रखते हुए कि बस रब रब करके पहुंच जाए, वो सिचुएशन हो चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट मिनट में बस बोर्ड अपडेट कर देते हैं, मैसेज आ जाता है कि एनडब्ल्यू खुला हुआ है, चल ब्रेकफास्ट कर लो। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, कुछ नहीं खाया रात से, स्नैक्स सब एयरपोर्ट है, वी आर लिविंग आउट ऑफ एयरपोर्ट राइट नाउ। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये बेचारी का बड़ा सबर है, एक बारी नहीं औखी हुई अगली। चलो ये अच्छा है, एनडब्ल्यू मिल गया, ब्रेकफास्ट करेंगे बड़े दिनों बाद। एयर कैनेडा वालों ने हमारे को ना मील वाउचर दिए हैं $60 के, $60 पर पर्सन के मील वाउचर दिए थे उन्होंने, तो वही यूज हमने 10 यूज कर लिए थे, $10 यूज कर, जितने भी लगेंगे अभी $10 पर कूपन। अभी टिम हॉर्टन पे 10 लगे थे, अभी पूरा खत्म करके जाने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे यूज हो सकते हैं बस। क्या लेके आया मेरा पुत्रू, चॉकलेट मिल्क, $20 अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी हैं 3 घंटे। पैसे वेल करके जाएंगे, चाहे पैक करा के लेके जाना पड़े। मन्नू होता उसको एयरपोर्ट पे बुला लेते, हाँ, और सब साथ बैठ के खा लेते। मन्नू इंडिया में है, लेकिन मन्नू भारत में है, भारत की हवा खा रहा है और अपना मजे करना स्टार्ट हो चुका है। नाउ इट इज हिज टर्न। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है बेचारे ना, उसको सिर्फ हफ्ते की छुट्टियां हैं, 10-8 दिन ना, हाँ, से भी 2 दिन एक्सक्लूडिंग ट्रैवल करके पूरे 10 दिन है, 3 दिन तो ट्रैवल में ही निकल जाते हैं, और अभी डिले ना हो बैग, और वो बीमार हो गया आते सार, उसको थोड़ा सा पोल्यूशन से गला खराब हो गया। ब्रेकफास्ट आ गया हम सबका, गर्मा गर्म, बहुत स्वादी स्वादी। तो हमारे यहाँ पे तो यही कल्चर है ना, मॉल से उठो, खाना वाना खा के एंड क्लीन अप करो। हम तो क्लीन अप करके उठते हैं टेबल हमेशा यहाँ पे, और वहाँ पे छोड़ देते हैं। इवन दुबई में भी वो कह रहे थे वहीं छोड़ दो टेबल पे, हमें अजीब लग रहा था बड़ा, हमें लगता था वी शुड क्लीन अप, क्लीन, दैट्स राइट। Saskatoon, AC's 807-4, B40 is the gate, 9:30 is the scheduled departure. हाँ जी जय जी। अरे यार हालत खराब हो गई ना यार, यहीं पे एयरपोर्ट में जी रहे हैं ऐसा लग रहा है, खाते हैं पीते हैं, अंदर जाके ब्रश कराते हैं, मुंह धोवाते हैं। You're living off the airport. Living off the airport. वो एक मूवी आई थी ना जिसमें बंदा एयरपोर्ट पे रहता है। हाँ। वही हाल हो गया। हाय राम। क्या हाल हो गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमारी छुट्टियां भी है अभी, सब कुछ है, लेकिन इट्स सच अ हैसल ना लगता है यार, इट्स सो टायरिंग यार, इतनी लंबी जर्नी के बाद अब ऑलरेडी ना पिछले ऑलमोस्ट 36-30 घंटों से आप ट्रैवल ही कर रहे हो, अब मन करता है यार घर पहुंचो, आराम करो। हम जा रहे थे अपने गेट पे और मुझे याद आ गया, पिछली बार जब मैं अकेली आई थी ना तो मैंने आर्या को कैलगरी के एयरपोर्ट से ये वाला टेडी लेके दिया था, बट इस पे हैग नहीं थी और हम ऐसे ही डांस थे। डू यू रिमेम्बर, देखो इट्स मम्मा आर्या के लिए फीवर हग्स फ्रॉम कनाडा, मैं अपनी लाडो के लिए लेके, और ये टची में रह गया, कोई नहीं आ जाएगी टची, लगेज आ जाएगा 150। जाते हुए भी यहाँ बैठे थे, आते हुए भी यहाँ बैठ रहे हैं। कैलगरी में ये जो अच्छी सी शटल्स चलती हैं बैटरी वाली, ये बहुत वधिया, और वापस हम कैलगरी से होके जाएंगे।
रब ने सोचा था, हमने नहीं सोचा था. ही नोज इट ऑल. डू यू नो एवरीथिंग? नो. ही नोज इट ऑल. नाम मल्ले के श्लोक की लाइन है ना, जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोए, हम प्लानिंग कर सकते हैं अच्छी अच्छी, बट दुख वाली प्लानिंग थोड़ी ना करेंगे अपने हाथ. हम लास्ट टाइम उधर से आए थे. ये हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, प्यारी सी बच्ची और उनके मम्मा पापा. भैया बहुत ज्यादा डिले हो के पेशेंस लूज होता जा रहा है. जज जी आ गए हैं. चिट्ठी ना कोई संदेश. 9:55 25 मिनट लेट. B40 गेट भी ठीक है. वो गिरा पड़ा पिलो ने इधर ना रह जावे. जाने वो कौन सा देश जहां हम चले गए. ये हालात हो गया, कोई जाए तो भैया अच्छी न्यूज लेके आए. नहीं अब तो दिसंबर में नहीं जाना यार, कहीं पे निकलना नहीं दिसंबर में. से बाहर वाले भी रुक रखे, घर पे रहो दिसंबर. आराम से. दिसंबर इज वेरी बिजी. बहुत बुरा हाल है. कंटिन्यूसली ना न्यूज आ रही है ऊपर कि कितनी बुरे हालात चल रहे हैं फ्लाइट्स के, एयरपोर्ट पे बैगेज के. तो देखा लोग वेट कर रहे हैं डेज फॉर देयर लगेज. हमें डर लग रहा है सुन सुन के. और बुरी खबर ये है कि हमारी फ्लाइट 25 मिनट लेट हो गई है. और 25 मिनट जान के चलाते हैं संतावना देने रिलेटेड कि तुम अकेले नहीं हो. वाहेगुरु करे बस घर पहुंच जाए, लगेज तो आता रहेगा. चलो कोई बात नहीं. अब 25 मिनट लेट है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमें लग रहा है कि अब खुश हों कि चलो सिर्फ 25 ही है, कि हम दुखी हुए हैं कि ये शायद 25 का 50 और आगे बढ़ता ना जाए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वेदर तो आज साफ है बड़ा हमारे वहाँ. आइया सब आइया ना, नानू नानी और दादू दादी दोनों को लगी हुई है मैसेज करने. हमारी BBC रिपोर्टर है. हाँ मैसेज करने लगी हुई है. डिलेड अगेन. फिर से डिले होगी भाई साहब. 10 मिनट फिर से डिले होगी है. और 10 मिनट से ज़्यादा डिले होगी क्योंकि 10:05 की फ़्लाइट है और 9:45 हो चुके हैं. बोर्डिंग नहीं हुई, फ़्लाइट आई भी नहीं है, तो ये 11 बजे से पहले नहीं जाएगी. एंड हम दोपहर को पहुँचेंगे 2:00 घर. और जाते सार इनके लिए खाना भी बनाना पड़ना है. अब तो सो भी नहीं सकते. नहीं ऑर्डर कर लेंगे कुछ, कोई बात नहीं. ऑर्डर नहीं करना मुझे, मुझे ऑर्डर नहीं करना. मैं थक चुकी हूँ बाहर का खा कर. प्लेन अभी भी नहीं आया. ये सब ना हॉलीडे का क्योस है. जो मैं तो हाथ कानों को हाथ लगाया, मैंने आगे से नहीं आना कभी भी दिसंबर में. आज तो हमारा मूवीज में देखते थे हम. मूवीज में देखते थे ऐसे कि क्योस मचा हुआ है हॉलीडेज में. लोग यहाँ पे ग्रुप जा रहे हैं स्कूल के, बैगेज लॉस्ट हो रहे हैं, फ्लाइट्स डिलेड कैंसल्ड ऐसे लिखा आता था. आज खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वाकई हॉलीडे सीजन इज नॉट गुड इन ट्रैवलिंग ना. इससे पहले हुआ था हमारे साथ 2013 में. हम जापान में थे टोक्यो में, और हमारा ना पूरा बोर्ड जो डिपार्चर का बोर्ड होता है ना, वो जस्ट हमारा इट वाज कैंसिल 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 पूरा कैंसिल. और 12-15 घंटे हम एयरपोर्ट पे फंस तक हो गए थे. वो स्टॉर्म आ गया था. वो टोक्यो में इतना गंदा स्टॉर्म आया था कि सुनामी वार्निंग आ गई थी. सब कुछ कांड हो गया था. लेकिन वो सिर्फ सुनामी सुनामी का तो कलेश नहीं पड़ा. उसमें भी यही होता था, पहले गेट चेंज करते थे फिर डिले करते थे. गेट चेंज डिले 3-4 बार उन्होंने ऐसे किया था. मतलब और बिल्कुल हमारी पूरी फैमिली थी साथ में, बड़ी छोटी होती थी. लो जी हो गया एक और डिले. अब तक हमारी फ्लाइट 14 घंटे डिले हो चुकी है टोटल. कल रात को निकलनी थी, अब सुबह फिर से डिले हो गई. 14 घंटे से ऊपर डिले हो चुका है. ये रिपोर्ट दे रही है इंडिया. ये न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट है, लाइव रिपोर्ट देती है इंडिया. बेचारे ना लोग निकले हैं जो फ्लाइट से, वो इतने परेशान हैं क्योंकि वो लेट आई है फ्लाइट. लोगों के कनेक्शन मिस हो गए हैं. 2-3 लोग कह रहे हैं वो एक बंदा भागा भागा गया अगले गेट पे. एक और थी लेडी, वो इतना वो कस्टमर सर्विस की तरफ भागी है बिकॉज ये लेट आने की वजह से इनके. हाँ देख लोग फटाफट पूछ रहे हैं कनेक्शन कहाँ हैं. और देख भाग रहे हैं लोग भाई साहब. ये देखो कैसे लोग भाग रहे हैं. बच्चे भाग रहे थे बेचारे. बहुत ज़्यादा कनेक्शन लोगों के फंस गए हैं ना. हर कोई देखो रुक रुक के पूछ रहा है कि हमारा कनेक्शन मिस हो रहा है. फाइनली दरवाजे खुल गए हैं, ब्रिज को पे जा रहे हैं. चलो जी चल पड़े. फाइनली सास्कातून की फाइनल बोर्डिंग है. बड़ी खुशी है मन में. लेकिन लगेज, लेकिन अभी लगेज की फाइट है. वहां जाके बच चलेगा कि कैसे लगेज को. लगेज तो नहीं है पक्का. लगेज के ट्रैकर दिखा रहे हैं कि वो UK में है. सो लगेज है तो नहीं पक्का यहाँ पे तो भी. बट हमें वहाँ पे रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी जाके, क्योंकि रिपोर्ट लिखी जाती है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे. फाइनल टेक ऑफ की तैयारी है जी. फाइनल टेक ऑफ. Back to altitude 52 Saskatoon.
फाइनली लैंडिंग हो गई है जी सैस्कैटून में। बड़ी गंदी लैंडिंग हुई है लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, इट वाज फॉगी। सैस्कैटून पहुंच गए हैं, बैगेज की वेट कर रहे हैं लेकिन बैगेज नहीं आना हमें पता है। वेरी लेस उम्मीद ना आई है, मेरे को पता नहीं आएगा। हम सबसे पीछे खड़े हैं, जस जी देखो वो रे सबसे पीछे खड़े हैं क्योंकि पता नहीं आना। जैसे हमने आपको पहले बताया था, चार में ही सिर्फ टैक्स थे, बाकी की दो में नहीं थे। तो जो बाकी के दो में उम्मीद है शायद वो आ जाएं, नहीं तो शायद वो भी ना आए, खाली हाथ घर जाएंगे। सारे लगेज आ गए हैं, हमारा एक भी नहीं आया। सो सैड, बहुत दुख लग रहा है, सारे लंदन में स्टक हैं। जस्ट अराइव नाउ? यस, वी जस्ट अराइव नाउ। ओके, एंड आई हैड ट्रैकर इन फोर ऑफ देम एंड दे आर ऑल शोइंग लंदन लोकेशन विद टर्मिनल। ओह, इज दैट राइट? ओके, सो यू आर ऑल मिसिंग, आई मीन यू मिसिंग ऑल सिक्स बैग्स। ओके, या so that was the original itinerary but our last flight from Vancouver to Saskatoon got cancelled। चलिए जी, निराशा प्राप्त हुई। इन बैग्स में से हमारा कोई बैग नहीं था, छः के छः बैग मिसिंग। वो कहते हैं वील कोरियर इट टू योर होम। सो हाँ पुत्र बता दिया, इसको सब पता है। चलो, अब तो चलो ठीक है भाई, खेल लेंगे चल के। अब तो छोटी गाड़ी में ही चले जाएंगे, कहाँ सोच रहे थे बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब अपनी गाड़ी लेके आएंगे यार, तो अगर ये बताएंगे टैक्स से पता लग जाएगा, टैक्स से पता चल जाएगा जहाँ जाएंगे। नोटिफिकेशन टैक्स का फायदा है, टैक्स का फायदा तो है। चलो जी, देख लो हमारा सैस्कैटून स्नो के पहाड़ सामने। ये देखो स्नो का पहाड़ भाई साहब। अब जाके पता लगा है लेकिन कि हम घर आ गए हैं, घर आ गए हैं, बस यही शुक्र है, यही शुक्र है वाकई। और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे टैक्सी के लिए कोई भी लाइन भी नहीं है, टैक्सी खड़ी हुई है, जाके बैठो वाकई। उधर से जाना होता टैक्सी, इधर से ही ले लेते हैं। चल आगे आ जा पुत्र, ठंड तो नहीं लग रही। चलो जी, फर्स्ट वन इन लाइन, ध्यान से चलना बेटा, बड़े दिनों बाद स्नो पे चल रहे हैं। जिंदा है कि गए? घर आ गए जी, हम घर आ गए। अब बस सामान नहीं आया, आ जाएगा वो भी। तो हमारे ये देखो क्रिसमस का गिफ्ट आया हुआ, बाहर पड़ा हुआ था, मन्नू अंदर रख गया था। गाड़ियां भी स्टार्ट हैं, थैंक्स टू मन्नू, बिग थैंक्स, बिग शॉट आउट टू मन्नू, थैंक यू मन्नू, थैंक यू फॉर मेंटेनिंग आवर हाउस, फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर हाउस एंड क्लीनिंग एंड आई मीन द ओहो बेचारे, ग्रीन लाइट ग्रीन हो गए, व्हाइटिश हो गए, लाइट ग्रीन हो गए ना, बट इट्स ओके, दिल रिवाइव। ठंड थी ना, इतना पानी की जरूरत भी नहीं थी। चलो जी, नो देख लो जी, कितने दिन बाद हमारी टेबल और हमारी दाल फुल्का, दाल चावल, थैंक यू। मतलब वी कुड नॉट वेट टू कुक दिस। आइया का देखो पास्ता रेडी है, आइया पास्ता खा रहा है, तीसरा राउंड है पास्ता। टाइम देखो 4 बजे रोटी हो रही है क्योंकि हम राइड अवे खाना खा के सो जाएंगे। मेरे तो मन में सो नाक धो के सर धो के सब पैकिंग तो अनपैकिंग तो आई नहीं, कुछ करने को सामान मिला ही नहीं, तो फटाफट रोटी बनाई आई, बट मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं अभी। तो जी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपने जो हमें प्यार दिया इंडिया सीरीज पे। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर कमेंट्स। आई नो हम बहुतों को मिल नहीं पाए, बहुतों के कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाए, बट इट्स सम वी वर ऑन अ वेकेशन एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ड्यू टू टाइम डिफरेंस हम लोग नहीं देख पाते, बस वीडियो ही एडिट करके डलती थी। सो वीडियो भी हमारे को कभी कभी टाइम शेड्यूल, जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे ना इंडिया, तो फिर हमारे को कभी कभी टाइम ही नहीं समझ आता था कब पोस्ट करें। बड़ी सही बात बोली है, बड़ी सियानी बातें बोलने लग गई है अचानक। चलो जी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।